ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर और लाठी हाथ में बांधकर दे दिया जाता है और घुमाकर इधर उधर छोड़ दिया जाता है। तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि यही लड़का फोड़ेगा। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका जौनपुर वाली भौजी ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों आज दही हंडी का पर्व है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है बहुत हर्षोल्लास से, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग इस त्यौहार को मनाने में गिरकर घायल हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है या कुछ भी होता है, कहीं भी मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, उनके परिवार वालों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, ऐसा है। लेकिन हमारे गांव में दही हंडी कुछ अलग प्रकार से मनाई जाती है और एकदम अलग, एकदम सबसे हट के, और बहुत मज़ा आता है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इस ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर दही हंडी कुछ अलग हिसाब से मनाई जाती है, ना तो कोई खतरा है, ना किसी का हाथ पैर टूटता है, कुछ भी नहीं होता है। और आप लोग इस वीडियो में रहिए, बने रहिए इस ब्लॉग में, देखिए हमारे यहाँ कैसे दही हंडी मनाई जाती है और बहुत मज़ा आता है। इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आपको हम वहाँ पर लेके चलते हैं, वो हमारे घर से लगभग जहाँ पर मनाते हैं थोड़ा एक जगह है, मतलब बाबा जी का स्थान है, वहाँ पर मनाया जाता है और बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। और चलिए आपको वहाँ पर चल के दिखाते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम सबसे अलग, सबसे कुछ ना कुछ एकदम एकदम हट के दही हांडी हमारे यहाँ मनाई जाती है। आप लोग देखेंगे और बोलेंगे वाह ये तो एकदम बढ़िया है, नेचुरल तरीके से है। तो दोस्तों बने रहिए इस ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए यही हमारा गाँव है, कितना खूबसूरत है, देखिए मेरा गाँव बहुत खूबसूरत है, देख लीजिए। और उस तरफ से देखिए, उस तरफ देखिए, उस तरफ बारिश आ रही है और लगता है आज भगवान खुश हैं, बारिश आ रही है दोस्तों, देख लीजिए। अभी यहाँ तक पहुँची नहीं लेकिन हम लोग भीग जाएंगे, हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर, आ गई है बारिश। दोस्तों भागते भागते हम लोग आए हैं भीगने से बचने के लिए, तो कहीं तो जगह नहीं मिली। देखिए ये बकरियों का घर है, इसमें सारी बकरियाँ रहती हैं, इसी में आकर खड़े हो गए हैं, बच जाएंगे थोड़ा। और ये देखिए बकरा कितना ज़बरदस्त है, देख लीजिए, मस्त है यार। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल बारिश बंद हो चुकी है और हम लोग चल दिए हैं फिर से, थोड़ा बहुत भीग गया हूँ, देखिए हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत भीगा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको वहाँ पर दिखाना है तो इतना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि कल जन्माष्टमी थी, तो आज उसका समापन है और ये चाचा हैं, इन्हीं के घर पर ये जन्माष्टमी मनाई गई थी। तो यहाँ से अभी समापन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, पूजा लगभग ख़त्म हो चुकी है, फिर उसके लिए बाद यहाँ से सब लोग जाएंगे, फिर दही हंडी का कार्यक्रम होगा। दोस्तों यही हमारे चाचा जी हैं, यही इस दही हंडी जो प्रोग्राम होता है हमारे गाँव में, वही इनके संचालक हैं। इन्होंने ही एक अपने दिमाग में सोचा कि मतलब दही हंडी जब मनाई जाती है उसमें लोग गिर कर घायल हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इन्होंने ही सोचा कि कुछ अलग तरीके से दही हंडी मनाते हैं और कुछ एकदम नया सबसे हट कर मनाते हैं। तो इन्होंने ही उसको बताया कि इस हिसाब से मनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे और आपको वहाँ का वीडियो दिखाऊंगा, बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में आपको पहले से बता रहा था, लीजिए हंडी बंधी हुई है और इस तरफ एक रस्सी लगी है यहाँ पर इस पेड़ में, यहाँ से ये रस्सी जा रही है और उस तरफ एक भाई साहब है पकड़ के बैठे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा फोड़ना चाहता है तो हंडी को नीचे कर दिया जाता है और अगर कोई बड़े आते हैं तो उस हंडी को ऊपर कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, काफ़ी सेफ्टिक तरीके से किया जाता है। और देखिए ये जो लाठी है, ये कोई बच्चा रहे या फिर बड़े रहे उनके हाथ में रस्सी बांध दी जाती है। और काफ़ी तेज बारिश आ गई है दोस्तों, वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है, मोबाइल मेरा भीग जाएगा। ये देखिए निर्देश, मेरा बेटा जा रहा है, देखो कुछ कर पाता है कि नहीं है, उसके हाथ में रस्सी बांधी हुई है। कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ एक बार आपको चांस मिलता है यहाँ पर बस, उसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलता है। एक बार आपको चांस मिलेगा, अगर आप एक बार में फोड़ देते हैं तो आपका इनाम पूरा हो जाएगा। दोस्तों काफी तेजी से बारिश हो गई है यहाँ पर, तो वीडियो थोड़ा बनाने में दिक्कत हुई, अभी बारिश बंद है फिर से बनाना शुरू कर रहे हैं, काफी दिक्कत हो रही है दोस्तों, मोबाइल के ऊपर बहुत रिस्क है, भीगने का डर है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
देखिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों, देखिए कौन इस मटकी को फोड़ पाता है। और यहाँ पर 2,500 रुपए का इनाम है। काफी लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन अभी मटकी वैसी की वैसी ही पड़ी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी आसान है इसको फोड़ना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए वहाँ पर आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथ में लाठी दी जाती है, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए आपके हाथ में जो लाठी दी गई है उसको रस्सी से बांधा गया है, और वही रस्सी आपके हाथ में बांधी गई है ताकि लाठी छूटकर किसी को लगे नहीं। और यहाँ से ये भाई साहब हैं, ये रस्सी पकड़े हुए हैं, यहाँ से वो मटकी को एडजस्ट करते हैं जितना की फोड़ने वाले की लंबाई हो। अगर छोटा बच्चा रहेगा तो थोड़ा नीचे कर दिया जाएगा और बड़े रहेंगे तो ऊपर कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी ये छोटा बच्चा है तो मटकी को थोड़ा नीचे किया जाएगा। देखिए वो ढूंढ रहा है मटकी यहाँ है और वहां चला गया है। तो हमारे गांव में मटकी फोड़ने का काफी आनंद लेते हैं लोग और बहुत मजा आता है। सब पूछ ले तो बहुत मजा आता है, जबरदस्त आनंद लेते हैं सब, पूरा दही हंडी का पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आप शायद पहली बार देख रहे हैं। देख रहे हो मटकी यहाँ पर है और यहाँ पर जाके फोड़ रहा है। ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर और लाठी हाथ में बांधकर दे दिया जाता है और घुमाकर इधर उधर छोड़ दिया जाता है ताकि उनका दिशा भ्रम हो जाए। और पानी भी गिरा दिया जाता है, चोट नहीं लगती है, काफ़ी मिट्टी है यहाँ पर, चोट नहीं लगेगी, उसका पूरा विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों हमारे पूरे गांव के लोग काफ़ी आनंद ले रहे हैं इसका, देख सकते हैं आप, बूढ़े बच्चे और लड़के लड़कियाँ सब, पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और पूरा यहाँ पर सब लोग काफ़ी बहुत इंजॉय करते हैं और इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ के बारे में दिखाना और बताना ज़रूरी है। पर पट्टी बांधी जा रही है, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि यही लड़का फोड़ेगा, तो आप लोगों को इस लड़के की वीडियो दिखाते रहेंगे। देखिए इसका दिशा भ्रम किया जा रहा है घुमाकर, क्योंकि इसको काफ़ी घुमाया जा रहा है। काफ़ी टैलेंटेड लड़का है जो कि मिलिट्री की तैयारी करता है और इसका निशाना काफ़ी अच्छा है, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि यही लड़का फोड़ेगा। तो गया तो बहुत सही है, बहुत सही गया है, लगता है ये फोड़ देगा, बहुत सही गया है दोस्तों, लगता है मट्टी फूट जाएगी अब। अरे क्या हुआ, ये तो दिशा अपनी चेंज कर दिया, इतना सही खड़ा हुआ था फिर भी वहाँ से चला गया। अरे क्या कर रहा है, मुझे लगता है ये फोड़ देगा। बार झड़के लगता है फोड़ देगा दोस्तों। ओ हो, थोड़ा सा चूक गया है दोस्तों ये, बस पट्टी बांधी जाती है कि आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और आपको घुमा फिरा कर इधर उधर छोड़ा जाता है जिससे कि आपकी दिशा भ्रम हो जाए और आप अंदाजा नहीं लगा पाए कि मटकी किस तरफ है। तो आपके दोस्तों आपके हाथ में लाठी बांधने के बाद आपको 2 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट में आपको मारना है, अगर आप 2 मिनट में फोड़ लेते हैं तो इनाम आपका है पक्का। और दोस्तों सबसे अच्छा मुझे इसमें यह लगता है कि कोई रिस्क नहीं है, किसी को चोट लगने की कोई संभावना नहीं है, उस चीज़ का बेहद ध्यान रखा जाता है। और मटकी देखे यहाँ पर है और ये भाई साहब इस तरफ घूम रहे हैं। काफी दूर है दोस्तों, एक बार फिर से जोरदार बारिश स्टार्ट हो गई है और सभी लोग भाग रहे हैं, सारी भीड़ तितर बितर हो गई है, फिर भी मैं अपने मोबाइल का रिस्क लेकर वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और एक अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मेरी मोबाइल भीग रहे दोस्तों,
सॉरी फॉर। ये लड़का जा रहा है, इसका नाम सर्वेश है, हो सकता है शायद ये फोड़ दे, देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, कौन देखते हैं फोड़ता है। अभी तक तकरीबन 40 लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई भी इस मटकी को फोड़ नहीं पाया है। एक अंदाजा लगा रहा है कि यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। करे बात देखा निकू तैयार भाई काफी यकीन है कि जैसे मेरे गांव के लोग इस दही हांडी का आनंद ले रहे हैं, आप लोग वीडियो देखकर भी उतना ही आनंद ले रहे होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी काफी आनंद ले रहे हैं इस वीडियो का। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए हांडी ऐसी कैसी पड़ी है, कौन माई का लाल फोड़ता है, अभी तो देखने वाली बात है। ये भी मेरा भाई है, एक तैयार हो गया फोड़ने के लिए, देखो एक कुछ कर पाता है या नहीं। इसको तो काफी घुमाया जा रहा है, बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, देखने में लगता है काफी आसान है लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। अरे तो गया है मट्टी के पास, एकदम पहुंच गया, ऐसा लग रहा है थोड़ी देगा। अरे उसका अंदाजा एकदम बढ़िया है, तो दोस्तों फाइनली मट्टी फूट चुकी है और ये मेरा भाई जिसको मैं बोल रहा था इसने मट्टी फोड़ दिया, देख लीजिए दोस्तों आपके सामने इसने मटकी फोड़ दिया है और खुशी का उसके ठिकाना नहीं है, वो कितना खुश है कहा नहीं जा सकता है। देखिए खुशी के मारे पूरा लोट पोट गया है दोस्तों, देखिए इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है दोस्तों, देख लीजिए इसको दो लोग कंधे पर उठा लिए, देखिए दोस्तों कितना खुश है, इतना ही फोड़ा है, पहले उसकी आंखों की पट्टी तो खोल दो यार ताकि खुशी का आनंद वो भी ले सके। तो देखिए दोस्तों इतना ही फोड़ा है, यही फोड़ा है, इतना ही मटकी फोड़ा है दोस्तों। बहुत खुश है लड़का, लोग सोच नहीं रहे थे जिसको कि जो फोड़ देगा उसने ही मटकी फोड़ दिया है, आज का हमारे गांव का हीरो है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और इनाम की पूरी रकम इसको मिलेगी, जितना भी इनाम का पैसा होता है पूरा का पूरा पैसा इसको मिलेगा। Thank you.
दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगले साल मटकी फोड़ने का कार्यक्रम जब होगा तब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों इस साल का 2022 का ये हमारा मटकी फोड़ने का वीडियो कैसा लगा और हमारे यहाँ का फोड़ने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण दोस्तों।